2022 तक हम तेल आयात में 10% की कटौती कर सके तो ये सिर्फ उद्योगों को ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। पिछले 10 वर्षों में क्रूड इंपोर्ट्स पर हमने लगभग $1 ट्रिलियन खर्च किया है। यह हमारे आम बजट से भी करीब करीब 3 गुना ज्यादा है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि तेल आयात की कटौती करके जो राशि बचेगी वो जब देश के ग्रामीण इलाकों में हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए विकास की योजनाओं पर खर्च होगी तो कितना ज्यादा सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। साथियों, आर्थिक विकास होगा पिछले तीन वर्षों ऑयल और गैस सेक्टर सुधार करते हुए कई बड़े कंज्यूमर इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फर्टिलाइजर सेक्टर में भाई और बहनों सरकार पर्यावरण की पूरी तरह संवेदनशीलता को लेकर इसी को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल में व्यापक इथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल में बायोडीजल से जुड़ी योजनाएं, बायोडीजल से जुड़ी योजनाएं, विकास के कार्यक्रम, एलएनजी टर्मिनल के विकास के कार्यक्रम की भविष्य में शुरुआत की गई। देश की ऊर्जा जरूरत सुरक्षित करने के लिए, देश की ऊर्जा जरूरत का उत्पादन करने वाले बड़े देशों के साथ, तेल का उत्पादन करने वाले बड़े देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। भारत रूस इसी कड़ी में एनर्जी ब्रिज का गठन किया, रूस एनर्जी ब्रिज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के समझौते किए गए हैं, विदेश में भविष्य में समझौते किए, हमारे हितों को ध्यान में, भविष्य में हमारे सरकार के वर्क कल्चर में, सरकार के वर्क कल्चर में पूरा एनर्जी सेक्टर बदलाव से आज मजबूत हो रहा है, एनर्जी सेक्टर और एनर्जी आज मजबूत हो रहा है, मजबूत होने से एनर्जी सेक्टर देश को भी एक मजबूत होने से वर्क कल्चर देश को भी एक नया के दूरदराज वाले इलाकों में रहने वालों देश के दूरदराज वाले जब रोशनी पहुंचेगी जिंदगी में, गैस पहुंचेगी, जब रोशनी पहुंचेगी उनके जीने का तरीका पहुंचेगी, काम करने का जीने का तरीका, काम करने का तरीका भी बदल जाए। उज्ज्वला योजना की तरह ही है, सौभाग्य योजना की तरह ही, विशेषकर सौभाग्य योजना भी में विशेषकर नारी सेहत की जिंदगी में भाग्य सुरक्षा और सेहत के इससे हमारे समाज का उदय एक बड़ा असंतुलन, हमारे समाज का खत्म, एक बड़ा असंतुलन, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए, करने के लिए उनकी जिंदगी न्यू इंडिया के लिए दूर करने के लिए उठाए गए, न्यू इंडिया के लिए कदम के लिए उठाए गए, देश को इस कदम के लिए फिर से देश बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे। अभी धर्मेंद्र जी अपने भाषण में बता रहे थे कि ONGC ने स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपया की योजना बनाई है। मैं आज एक चुनौती का काम आपसे करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है आप लोग कर देंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक कार दुनिया उस पर चल पड़ी है क्योंकि वो भी एनर्जी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिक कार की तरफ ले जा रहा है। इलेक्ट्रिक कार से जो मुसीबतें कम होगी और जितना लाभ होगा मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जो शायद बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है और मैं चाहूंगा कि ONGC इस इनिशिएटिव को उठाएं, देश के युवाओं को आह्वान करें, इनोवेशन के लिए आह्वान करें, इनोवेशन के कंपटीशन ONGC ऑर्गेनाइज करें और काम ये कि बिजली से चलने वाला चूल्हा,
जिस पर हर प्रकार की रसोई हो सके, पकौड़ी भी बनाने होंगे तो भी हो जाए, और चपाती बनानी हो तो भी बन जाए, मिठाई बनानी हो तो भी बन जाए। अगर ऐसे यूजर फ्रेंडली इक्विपमेंट तैयार होते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि लोग अपने घर में सोलार एनर्जी से एक चूल्हा चलाएंगे, आपको गैस सिलेंडर, एलपीजी, उज्ज्वला कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और कार इलेक्ट्रिक बनने के बाद जो बोझ या बचत होगी उसकी तुलना में हर घर में बिजली वाले चूल्हे अगर आदत लग जाएगी और सस्ते, मैं मानता हूं हमारे देश के नौजवान स्टार्टअप्स को इनवाइट कीजिए, एक बड़ी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करे ओएनजीसी, 100 करोड़ मेरे हिसाब से काफी है इस काम को करने के लिए, इस एक काम में। तो आपको जो 10% कम करना है ना, वो एक साल में हो जाएगा, क्योंकि जो जो खपत है उसका बहुत बड़ा ऑल्टरनेट मिल जाएगा। और आज इलेक्ट्रिक कार पर जितने रिसर्च हो रहे हैं, मैं मानता हूं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर, कुकिंग इस पर अगर होंगे तो शायद भारत जैसे देश में वो ज्यादा ताकतवर पुरवार होगा। और इसलिए मैं आज एक चुनौती 25 सितंबर 2017 लिख के रखी है, शाम 7:30 बजे मैं आपको बता रहा हूं, 8:15 बज गए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपको योजना लेकर महीने भर में मेरे पास आइए और इसको कुछ करके दिखाइए। और मैं आह्वान करता हूं खास करके ये जो आपके 81,000 ओएनजीसी के सैनिक मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूं कि सारे नौजवान दिमाग खपाएं, इनोवेशन के लिए देश के नौजवानों को आह्वान करें, हम ऐसी सरल चीजें, यूजर फ्रेंडली चीजें कैसे बनाएं और एक नई क्रांति का हम प्रारंभ करें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, और इस उत्तम भवन में आप उत्तम काम करेंगे इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 9 दिन के व्रत में हैं, 5वां दिन है।